हेलो गाइस, आज हम क्लास 11 का इंग्लिश का जो एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा, सेकंड का बी, ये ऑफिशियली आंसर की है, थर्ड का बी आंसर हो जाएगा, फोर्थ का सी आंसर हो जाएगा, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ का पैराग्राफ में से आंसर देने थे, तो आइए देखते हैं उनको हम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर सर्विस हो जाएगा। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन का आंसर यहाँ से एस से लेकर कॉम्प्लेक्स तक लिखना था आपको। उसके बाद सेवन का आंसर एनालाइज से लेकर आउटकम तक आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद एट्थ क्वेश्चन का आंसर यहां से द की फीचर से लेके पब्लिक तक आपको आंसर लिखना था। पैराग्राफ आपने समझ लिया होगा एग्जाम करते वक्त। अब हम इसके आंसर्स देख रहे हैं। उसके बाद सेकंड में देखते हैं हम यहां पर, सेकंड में देखिए फर्स्ट में रनिंग हो जाएगा, सेकंड इसका आंसर 18 टू 15 अप्रोक्स 5 आवर्स पर डे हो जाएगा, 45% हो जाएगा, डिक्रीज विद एज हो जाएगा। और फिफ्थ का आंसर फिजिकल लिमिटेशन एंड लाइफस्टाइल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, 56 टू 65 हो जाएगा, सेकंड का आंसर एटीट्यूड हो जाएगा, थर्ड का आंसर 26 से 35 एंड 18 टू 25 हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में यहाँ पे दो आपको लिखना था, समरी बनानी थी, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। उसके बाद फोर्थ में देखिए फर्स्ट में आ जाएगा हु लिव एट द फर्स्ट फ्लोर, सेकंड का हो जाएगा दैट यू आर हाइडिंग अ ट्रूथ, थर्ड का हैज़ बिन रनिंग हो जाएगा, फोर्थ का हेड लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे रीअरेंज करना था, मैंने कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ का आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, द मदर टोल्ड डॉटर द शी वॉज वेरी ब्राइट चाइल्ड। उसके बाद में यहाँ पे दो आप देख सकते हैं, ये आपको खुद करने थे क्वेश्चन, इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर लिटरेचर का पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखते हैं टेंथ क्वेश्चन के फर्स्ट में सी आंसर आ जाएगा, सेकंड का आंसर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे द पोएट मदर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी में यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, थर्ड का आ जाएगा सबसाइड टू एम्प्टी आ जाएगा। उसके बाद इलेवन क्वेश्चन में फर्स्ट में आंसर आ जाएगा ओल्ड एंड रिंकल्ड हो जाएगा, सेकेंड में स्माइल हो जाएगा, थर्ड में एटीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद थर्टीन का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यहाँ पर हेड हो जाएगा, नेक्स्ट में आंसर हो जाएगा प्रोब। और थर्ड का आंसर आप यहां से देख सकते हैं, पैराग्राफ में दिया गया है, यहां से आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट में ए आंसर हो जाएगा, सेकंड में ये ऑफिशियली आंसर की आप देख सकते हैं बी आंसर हो जाएगा, थर्ड में बी आंसर हो जाएगा, फोर्थ में कैप्ट रफली हो जाएगा। इसके बाद बी का देखते हैं, फर्स्ट में ऑल ऑफ अबव आएगा, सेकंड में बाई शाउटिंग दैम आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा नो हार्म एंड फोर्थ में आ जाएगा हाउ हॉर्स स्लोटन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे आपको 40 टू 50 वर्ड्स में आंसर देने थे, तो क्वेश्चन मैं भी एक बार इकट्ठे ही दिखा के इनके सभी के आंसर आपको इकट्ठे ही दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देख सकते हैं 13 का आंसर आप यहाँ पर, उसका सेकंड का आंसर यहाँ पर देख लीजिए, पॉइंट्स देख सकते हैं हम, इनमें ये पॉइंट्स आपको लिखने थे। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, देखिए इस तरह से पॉइंट लिखने थे। बी में देखिए 15 में देख सकते हैं आप, 16 में। थैंक यू।